तो आप निश्चित ही इसको बैलेंस कर पाएंगे। किसी भी एक बिंदु पर ध्यान को केंद्रित कीजिए, किसी भी चीज पर फोकस कीजिए, मेडिटेट कीजिए। बहुत सुंदर। वापस गहरी सांस लेना है, धीरे धीरे छोड़ देना है। हाथ को पीछे बांधे, गर्दन को पीछे की ओर झुकाएं, लंबी गहरी सांस लें और छोड़ दें। बहुत सुंदर। अब इसके उपरांत अब हम लोग अर्धचक्र आसन का अभ्यास करेंगे। अर्धचक्र आसन के अभ्यास के लिए कमर पे हाथ, पैरों के बीच में हल्का सा गैप और धीरे धीरे हमें कमर को पीछे की ओर झुकाना है। यह आसन सहायक है, इसका अत्यधिक ज्यादा से ज्यादा अभ्यास करेंगे। सांस को भरते हुए आप लोग पीछे जा। अब जो खड़े होकर के आसन हैं, उनमें अंतिम आसन जो है वह त्रिकोण आसन का अभ्यास अब हम लोग करेंगे। त्रिकोण, दो से तीन फीट का गैप। त्रिकोणासन के अलग अलग वेरिएशन हैं। जो पहला वेरिएशन है उसका हम लोग अभ्यास करेंगे। दाएं पैर को दाईं ओर मोड़ लें, दाएं पैर को दाईं ओर, बायां पैर सीधा सामने की ओर। दाएं पैर को दाईं ओर, बायां पैर सामने की ओर सीधा। दोनों हाथों को फैलाएं साइड में, सांस को छोड़ते हुए साइड में झुकना है। हथेलियां ऊपर की ओर अपनी ओर, हथेलियां अपनी ओर, अपने चेहरे की ओर हथेलियां को करें। पूरा हाथ को खोल, पूरा स्ट्रेच करें, हथेलियों की तरफ देखें। सांस को भरते हुए वापस। इसी प्रकार हम दूसरी ओर से करेंगे। बाएं पैर को बाईं ओर मोड़ लेंगे, दायां पैर सामने, दाईं एड़ी बाहर की ओर। सांस को छोड़ते हुए हम लोग हथेलियों की ओर देखेंगे, सांस को छोड़ते हुए झुकेंगे और बाएं हथेलियों की ओर देखेंगे। बहुत सुंदर। यह आसन सियाटिका, लोअर बैक पेन, मोटापा इत्यादि में हमें लाभ। सामान्य आसन। अब इसके बाद हम लोग भद्रासन का अभ्यास करेंगे। भद्रासन के अभ्यास के लिए हम लोग अपनी दोनों पैरों को जोड़ लेंगे। हो सकता है कि यहां जो लोग पहुंचे हैं उन्होंने पहले भी योग आसन इत्यादि किए हों, सुनने में आया हो, देखने में आया हो कि यह तृतीय आसन का अभ्यास है, परंतु अलग अलग आसन के अलग अलग नाम भी हो सकते हैं। एक आसन के एक से अधिक नाम भी हो सकते हैं। स्ट्रेच करेंगे नीचे की ओर, घुटने को लगाने का प्रयास करेंगे तो यह भद्रासन का अभ्यास कहलाएगा। हम लोग इस आसन के माध्यम से अपनी पेल्विक एरिया को खोल सकते हैं। जिनको एपेंडिसाइटिस प्रोस्टेट, महिलाओं को प्रसूति के समय प्रेगनेंसी के टाइम। अब हम इसके उपरांत एक ध्यानात्मक आसन करेंगे।